तो ऐसे जैसे मैंने बोला उन्होंने प्रोसेस बताया और वैसा बिज़नेस करने को स्टार्ट किया। तो हमने लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने किया था कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, आप भी आ जाओ इस बिज़नेस में, बहुत अच्छा रिटर्न्स है। जबकि हमको रिटर्न्स का कुछ भी पता नहीं था, बट बिकॉज अभी जो पैसा लगे वो निकालना है तो प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा। तो वो उस चक्कर में हम लोग भी लोगों को इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कुछ 6 महीने बाद हमने मेरे मम्मी और मेरे मदर इन लॉ के नाम पे वापस 5 लाख रुपए जमा करके हमने डाल दिया। वो करने के लिए भी उन्होंने मदद की, जो भी गोल्ड लोन थे हमारे, जो भी हैंड लोन थे, किसी से इंटरेस्ट पे लेके आना, ये वो ऐसा करके हमने वापस 5 लाख रुपए। तो ऐसे टोटल मिला के एक साल के गैप में, एक साल के रेंज में मेरा कुल मिला के कुछ 17.5 लाख रुपये उसमें अटक गया। और वापस एक साल बाद मलेशिया में वो बिज़नेस मीट हुआ, उसके लिए भी लोग ज़बरदस्ती लेके गए। तो कुल मिला के ये सब खर्चे और सब पकड़ के 20 लाख के आसपास मेरा अमाउंट है जो मेरे जेब से गया है इंटरेस्ट छोड़ के। आपको रियलाइज़ कब हुआ कि अब आप फंस चुके हैं? जब हम दूसरे मीटिंग के लिए गए मलेशिया में, तो जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे पिछले एक साल से, वो लोग मलेशिया से जैसे हम लोग वापस आ गए तो एक हफ्ते के टाइम में वो लोग गायब हो गए। गायब इन द सेंस उनके फ़ोन नंबर्स बदल गए। एक जगह होती है, कोई एक मॉल पकड़ते हैं लोग, वहाँ पे बैठ के सब लोगों को काम करवाते हैं, तो उनको एसोसिएशन करके बुलाते हैं। तो एसोसिएशन से एक एक आदमी गायब होने स्टार्ट हो गया, जो सीनियर इनको मानते थे, जो बोलते थे हम सीनियर है, एक एक करके गायब होने लगे। तो थोड़ा हमको डाउट होने लगा कि ये क्यों जा रहे हैं। तो हमको बोला गया कि नहीं, वो दूसरा मार्केट संभाल रहे, तो अभी आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो हैदराबाद जा रहा है, कोई पूना जा रहा है, ऐसा बोला गया। उसके बाद जो हमारे साथ काम करते थे, जिन्होंने हमको रेफरेंस दिया था, वो भी एब्सकॉन्डिंग हो गए। फिर हमको पता चला कि कुछ गड़बड़ है। और एक दिन में तो ऐसा हुआ कि पूरा एसोसिएशन ही गायब हो गया। तो बोला गया कि कल से वहाँ पे काम नहीं होना है। संपर्क में मतलब मैं हॉट जोन में थी। मेरी सिस्टर जो थी उसके थ्रू से थी एक्चुअली। मैं और मेरी सिस्टर दोनों पार्टनरशिप में हम लोग एक शॉप ओपन करने वाले थे, तो उसके लिए हम अमाउंट जमा कर रहे थे। तो जनरली सुविजा पाई जो थी वो उनके ऑफिस में थी मेरी सिस्टर के, तो उन्होंने उनको सब मीटिंग्स वगैरह, जैसे सर ने बताया अभी, वैसे पूरा मीटिंग्स वगैरह करवाया था सब कुछ। और फिर मेरी सिस्टर ने मुझे हॉट जोन पे लिया था। मेरी सिस्टर ने ये सोचा कि मेरा अच्छा हो रहा है तो ज्योति का भी अच्छा हो जाएगा करके, उस हिसाब से उन्होंने हॉट जोन में लिया था मुझे। अब सर देखो, अभी हम ज़्यादा तो कुछ, हम लोग जो झेल रहे वो तो झेल ही रहे, बट ये जो 3 बच्चे आज की डेट में टीनेज जो है वो मर चुके हैं, उनके माँ बाप को उनका लॉस है। 3-4 लाख की अमाउंट के लिए बच्चे आज जान दे रहे हैं, तो हम लोग तो सहन कर पा रहे हैं, बच्चे लोग नहीं सहन कर पा रहे। और आज की डेट में मैंने अभी देखा है सर, मेरी नेबर में ही है, मेरी नेबर में एक टीनेज लड़की है जो मतलब अराउंड अभी उसने 15 क्लियर किया है, TY BCom उसने कंप्लीट किया है। उसका ही फ्रेंड जो है वो उसका ही फ्रेंड ने 3.5 लाख रुपये ऑलरेडी डाला है, उसके डैडी को पूछे भी कर। बट मेरी जो नेबर है उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आप एक बार मुझे लेके गए थे करके, बोलते सेम सिचुएशन यहाँ पे हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि पैसा मत डालो। आज की डेट में भी मुलुंड में सब जगह पे हो रहा है सर, तो ये प्लीज़ फाइनली बंद करो।